नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार दो का सवाल है क्वेश्चन से सम चार्ज इज बींग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज हमारे चार ऑप्शन है मैक्सिमम एट सर्फेस मिनिमम एट सेंटर रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर नाउ बहुत ही आसान सवाल है कॉन्सेपचुअल उस पर वो जाएगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं करनी है सो so, यह आपका कंडक्टर है यहाँ पे थोड़ा सा सवाल का ये आपका रेडियस है मान लीजिए इसका और यहाँ पे हम प्लस क्यू चाय दे रहे हैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ सवाल की भाषा में अंग्रेजी में थोड़ा सा मेरे को इशू है यहाँ पे है कि इट्स बीइंग गिवन तो बीइंग गिवन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग uh, वो है बट इसको हमें यहाँ पे सवाल होना चाहिए सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर नाउ इस केस में लेट्स कंसिडर के इसको हमने चार्ज क्यू वो दिया हुआ है ये बात अपने को पता है कि नेट फील्ड इनसाइड आपकी ज़ीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो नहीं होती है नेट फील्ड इलेक्ट इनसाइड आपके इस कंडक्टर के ज़ीरो होगी सो नेट फील्ड इनसाइड ज़ीरो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी डी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं डी वी बाय डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका वी अंदर कांस्टेंट होएगा so, है ना सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है नेट तो आपका पोटेंशियल वहाँ पे कांस्टेंट आएगा और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर वुड बी द राइट आंसर राइट एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल इनसाइड आता है वो होएगा के कैपिटल क्यू बाय आर जो आपने क्यू दिया है अगर कंटिन्यूसली इसे बढ़ा रहे हैं तो वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी पर यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा है हमें बड़ी सिंपल सवाल ये पूछा है कि अगर आपने क्यू चार्ज दिया है सो इसका पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक बिल्कुल सेम रहेगा बराबर रहेगा रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर सो so, एन सी वुड बी द राइट right चॉइस